अजय देवगन की फिल्म ने सिनेमा घरों में फोर्थ वीक को किया कंप्लीट। 28वें दिन तक फिल्म का सिनेमा घरों में जोरदार कमबैक। तो वहीं फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का सिनेमा घरों में बेहद कमजोर कलेक्शन जारी। तो वहीं पृथ्वीराज सुकुमार की फिल्म आड़ो जीवितम ने छुआ यह आंकड़ा। साथ ही फहाद फासिल की फिल्म ने सिनेमा घरों में कूद डाले हैं इतने करोड़, ओटीटी पर रिलीज होने को तैयार। नमस्कार दोस्तों, अजय देवगन की साल 2024 की मच अवेटेड फिल्म मैदान 11 अप्रैल को रिलीज हुई थी और फिल्म के आज सिनेमाघरों में 28 डेज कम्प्लीट हो चुका है, यानी फिल्म के रिलीज हुए फोर्थ वीक कंप्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे फिल्म मैदान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 28 की। तो फिल्म मैदान ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 28 के अंदर 60 लाख की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म मैदान का 28 डेज तक टोटल इंडिया के बॉक्स ऑफिस से 51.75 करोड़ की नेट कमाई कर चुकी है। तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 68 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। फिल्म मैदान के बजट की बात कर ले तो फिल्म मैदान को 90 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइज कोष को मिलाकर, और 90 करोड़ के मुकाबले फिल्म वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ के नजदीक है। तो वहीं फिल्म भारत के बॉक्स ऑफिस से 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। फिल्म सिनेमाघरों में अभी भी रिलीज है और फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का जबरदस्त फायदा मिल रहा। फिल्म मैदान को दोस्तों आपने अभी तक देखी या ना देखी, राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 28 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के कलेक्शन की। तो फिल्म के सिनेमाघर में 28 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं, यानी फिल्म ने भी सिनेमाघर में अपने फोर्थ वीक को कम्प्लीट कर लिया है। 11 अप्रैल 2024 को ईद के मौके पर रिलीज हुई फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ने अपने पहले दिन ही वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 36.33 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई कर बंपर शुरुआत दी थी, लेकिन देखते देखते फिल्म का कलेक्शन पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। बड़े मियां छोटे मियां फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा संघर्ष कर रही है। दोस्तों बात करेंगे फिल्म के 28 डेज कलेक्शन की। तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 28 के अंदर 30 लाख की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म का 28 डेज तक टोटल इंडिया के बॉक्स ऑफिस से 64.50 करोड़ की कमाई कर चुकी है। तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 132 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। दोस्तों फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म को 320 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कोस्ट को मिलाकर, और 320 करोड़ के मुकाबले फिल्म वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा फीकी कमाई कर काफी ज्यादा बुरा हाल है। फिल्म साल 2024 की एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई है। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां दोस्तों आपने देखी या ना देखी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं पृथ्वीराज सुकुमारन की साल 2024 की मलयालम लैंग्वेज की ब्लॉकबस्टर सर्वाइवल ड्रामा फिल्म आड़ो जीवितम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 42 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म आड़ो जीवितम के कलेक्शन की। तो फिल्म के सिनेमाघरों में 42 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं, यानी फिल्म के रिलीज हुए 6th वीक सिनेमाघरों में कम्प्लीट हो चुका है। बात करेंगे फिल्म आड़ो जीवितम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 42 की। तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 42 के अंदर 15 लाख की कमाई कर रही है। इसी के साथ फिल्म आड़ो जीवितम का डे 42 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 60.15 करोड़ की टोटल ग्रॉस कमाई कर चुकी है, जहां फिल्म का अपने स्टेट केरला के बॉक्स ऑफिस से 83 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। फिल्म आड़ो जीवितम के बजट की बात कर ले तो फिल्म आड़ो जीवितम को ओवरऑल 80 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था और 80 करोड़ के मुकाबले फिल्म वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर 160 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। फिल्म मलयालम लैंग्वेज की साल 2024 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी है। दोस्तों बता दो कि मंजुबल वॉइस ने अभी तक सबसे ज्यादा कमाई की है, उसके बाद फिल्म आड़ो जीवितम का नंबर है, उसके बाद नंबर 3 पर है फिल्म आवेशम। दोस्तों फिल्म आड़ो जीवितम को अगर आपने अभी तक मिस किया तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म को देखना बिल्कुल ना भूले। चलिए दोस्तों बात करते हैं साल 2024 की फहाद फासिल की ब्लॉकबस्टर कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म आवेशम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 28 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे आवेशम के कलेक्शन की। तो फिल्म के सिनेमाघर में 28 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं, यानी फिल्म के भी सिनेमाघर में फोर्थ वीक कम्प्लीट हो चुका है। दोस्तों फिल्म आवेशम 11 अप्रैल 2024 को ईद के मौके पर रिलीज हुई थी, जहां फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 10.65 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर बम्पर ओपनिंग कर शुरुआत की थी। तो वहीं फिल्म के सिनेमाघरों में आज 28 डेज कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 28 के अंदर 2.10 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है। इसी के साथ फिल्म आवेशम का 28 डेज तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से अभी तक 154.35 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है और फिल्म साल 2024 की मलयालम फिल्मों में
थर्ड हाईएस्ट ग्रोसर कमाने वाली फिल्म बन चुकी है। फिल्म फिलहाल सिनेमाघरों में सक्सेसफुली रनिंग कर रही है। वहीं दोस्तों बता दूं कि फिल्म आवेशम अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म का ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो चुका है। फिल्म को 9 मई 2024 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जा रहा है। फिल्म को कई भाषाओं में स्ट्रीम किया जाएगा। फिल्म को अगर आपने बड़े पर्दे पर मिस किया तो इसे अब ओटीटी पर देख सकते हैं। फिल्म आवेशम को दोस्तों आपने देखी या ना देखी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये था लेखा जोखा हाल फिल्म के कलेक्शंस का। ये पोस्ट पसंद आया तो लाइक करेगा और लाइक करें सब्सक्राइब जरूर करेगा। बॉक्स ऑफिस के लेटेस्ट न्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे इस एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।